जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे, और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको एक ऐसा सीधा साधा सरल उपाय कि जिसको करने से आपके मन में बहुत समय से जो इच्छाएं चल रही हैं, बहुत समय से ऐसी जो चीजें हैं जिन चीजों ने आपके मन और बुद्धि को जकड़ के रखा है, या ऐसी कई चीजें जिनके वजह से आप परेशानियों में हैं, ऐसी चीजों का तुरंत समाधान होने लग जाएगा, ऐसी चीजों का आपको तुरंत उत्तर मिलने लग जाएगा। ऐसी चीजें यदि आपका कोई सपना है, आपकी कोई इच्छा है, तो तुरंत रूप से फलीभूत होने लग जाएगी। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आप रविवार की रात्रि को जब भी सोने के लिए जाते हैं, जब भी आप रविवार की रात को सोने के लिए जाएं, चाहे जितने भी बजे आप रात को सोने के लिए जाते हैं, आपको क्या करना है कि तांबे के पात्र में, तांबे के बर्तन में आपको पानी लेकर के अपने सिर के पास में रख लेना है। जहां भी आप सोने के लिए जाते हैं, उस तांबे के पात्र को अपने सिर के पास रख लेना है। यदि हो सके तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ, आपका जो सिर है वो पूर्व दिशा की तरफ रहे, इस तरह से आपको सोना है। अपने सिर के पास आप तांबे के किसी भी बर्तन में पानी को रख लें और सो जाएं। सवेरे जब आप उठते हैं तो आपको किसी से कुछ भी कहे बिना, किसी से आपको कोई बातचीत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, और बिस्तर में बैठे बैठे ही आपको वो जो तांबे के पात्र में आपने बर्तन में जो पानी लिया है, उस पानी को आपको ले लेना है, अपने हाथ में उसको पकड़ लेना है इस तरह से, और दूसरे हाथ को आपको यहाँ पर ऐसे उसमें लगा लेना है, और जो मैं मंत्र बोलूँगा वो मंत्र आपको उस समय बोलना है। तो दोस्तों, मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, बगुला हंस हुआ, चलो रे इच्छा हवा की भांति, सपना सच हुआ, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। यह मंत्र है, इस मंत्र को बोलते हुए आपको उस पात्र का पानी पी लेना है, और इस क्रिया को आपको लगातार 7 सोमवार, सिर्फ सोमवार सोमवार के दिन आपको इसको 7 सोमवार तक करना है। इन बिटवीन आपकी जो कोई भी इच्छा है वह आपकी फलीभूत हो जाएगी, चाहे आपकी जो कोई इच्छा हो उसका आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।